व्हाट्स अप गाइस। जिम जाने से पहले मैं तो अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, मैंने सोच लिया आपको भी मोटिवेट करता हूँ। और मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये माचिस की तीली है जो आग लगाती है आपके इस बारूद को। जब बारूद को आग लगती है ना, वो एक्सप्लोड करता है, वो काम करता है। उस बारूद को आग लगेगी तभी आप अपनी चीज़ों को, गोल को अचीव करने के लिए उठेंगे, नहीं तो बहाने से बैठे रहेंगे। चलिए मैं बात करता हूँ आपके साथ आज सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके लिए या मेरे लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? दैट्स हेल्थ। हेल्थ से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। एक वेल्थी मैन, मतलब एक मिलियनेयर, पैसे वाला बंदा, उसकी मिलियन प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मिलियनेयर है जो बंदा, पैसे वाला बंदा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके साथ होती है। उनकी हर फाइनेंस को छोड़ दो, हर तरह की प्रॉब्लम से वो निकलते हैं। लेकिन एक सिक बंदा, बीमार बंदा, उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है। बीमार बंदे की क्या प्रॉब्लम होगी? हेल्थ। उसको कुछ नहीं पड़ी कि बाहर जो उसकी अच्छी गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, उसमें पेट्रोल है या नहीं। इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई जीत रहा है, हार रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो होता है हेल्थी। एक बीमार बंदे का, सिक बंदे का सिर्फ एक ही होता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे ठीक करो। अगर बंदा ठीक नहीं है ना, तो कोई मैटर नहीं करता आपके पास क्या है, कैसा है, डज नॉट मैटर। हेल्थ एक ऐसी चीज है कि कोई मिलियनेयर हो ना, खरबोपति हो, बिलियनेयर हो, अंबानी हो या अडानी हो, वो खरीद नहीं सकता। क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है सर, फिटनेस एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको पसीना निकालना पड़ेगा, और आपका पसीना कोई और नहीं निकाल सकता। आपका वर्कआउट कोई और नहीं कर सकता, आपकी डाइट कोई और नहीं खा सकता। मेरे भाई, द बिगेस्ट थिंग इज, आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरी पॉसिबल बैड एंड गुड थिंग, बट नो वन एल्स कैन बर्न द कैलोरीज फॉर यू। मेरी बात समझे? सो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर है। अगर आपने इन्वेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी फैमिली के हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए, अपने बच्चों की हेल्थ पर इन्वेस्ट कीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थी रहेंगे, बॉडी हेल्थी रहेगी, बॉडी से दिमाग हेल्थी रहेगा, दिमाग हेल्थी रहेगा तो सर दुनिया बदल सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हेल्थी रहना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए क्या करना है सर? आपका एक रूटीन होना चाहिए, 4-5 दिन वर्कआउट करें, सही डाइट खाएं, साफ सुथरी डाइट खाएं। यही एक दो इम्पोर्टेंट चीजें जिसको आपने फॉलो करना है, नो मैटर हु यू आर, व्हाट यू डू। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्थी। आई नीड टू गो इनसाइड द जिम एंड वर्कआउट। टेक केयर।